तो सामने वाले उम्मीदवारों पे तो कुछ है ही नहीं सिवाय हमें हमारे परिवार को गाड़ियां देने से। ये जो वोट पड़ गई थी तो हमारी थी, कांग्रेस पार्टी की। अब परेशान है बेचारा। जो फर्स्ट परेशान लोगों के बारे में मेरे ख्याल चर्चा नहीं की जानी चाहिए। तो अच्छा काम करेगा तो लोग अच्छा मानेंगे, बुरा करेगा तो लोग विरोध करेंगे। डेमोक्रेसी इन वोट काटू पार्टियों से और उम्मीदवारों से सावधान रहे, अपने मत का सदुपयोग करें। बहुत बढ़िया कलायत में कांग्रेस पार्टी बड़े भारी बहुमत से जीतेगी। नहीं, टक्कर के उम्मीदवार ही नहीं है, क्योंकि जनता इनसे पूछ रही है कि तुम्हें वोट क्यों। और मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितना भी विकास कार्य हुआ है, मैक्सिमम चाहे रोजगार है, चाहे माइनर है, चाहे सड़कें हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन राजौंद में यहाँ है, या सीवरेज है, वाटर सप्लाई है, सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न हॉस्पिटल है, मतलब इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास कामों की। गांव गांव के स्कूल के अपग्रेडेशन की बात है तो बहुत ज़्यादा है। अब जो सामने वाले उम्मीदवार उन पर तो कुछ है ही नहीं सिवाय हमें हमारे परिवार को गाड़ियां देने से, दूसरा इनके पल्ले कुछ नहीं है। एक नंबर अनुराग डांडा जी कह रहे हैं कि तीन परिवारों से मुक्ति दिलानी है कलायत को, जिसमें आपका परिवार भी शामिल है। वो कुकुर दुआवा का वो तो आप बताओ तो प्रतिक्रिया क्या है आपकी, उसकी क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा होगा, परेशान है, क्योंकि ये जो वोट पड़ गई थी तो हमारी थी, कांग्रेस पार्टी की। अब परेशान है बेचारा। जो फर्स्ट परेशान लोगों के बारे में मेरे ख्याल चर्चा नहीं की जानी चाहिए। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, उसकी किस प्रकार की तैयारी? जबरदस्त है, कल आकर के देखना वहाँ। तो विकास से हमने बात की, विकास कहता है कि कलायत में पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ, तो आप उसके किस तरह से हेल्प करेंगे? मैं क्यों हेल्प करूँगा, विधायक होगा और सरकार में हिस्सेदार होगा, और यूनिवर्सिटी तो कलायत में बननी चाहिए। मैं खुद भी इस बात का पक्षधर हूँ, मैंने कॉलेज बनाया है तो यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। चुनाव के जरिए विकास की पहली बार राजनीति में एंट्री होने जा रही है, क्या मानते हैं कलायत की उम्मीदवार? नहीं, पहली बार नहीं हो रही, ये मेरा इंचार्ज था आदमपुर का और ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का इंचार्ज था कलायत में। दोनों जगह पहले भी जीत हासिल हुई है, आदमपुर में भी जीत हासिल हुई है, उससे पहले यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़ चुका है, उससे पहले पार्टी के संगठन में लंबे अरसे से काम कर रहा है। तो पहली एंट्री जो उसकी होगी एज MLA और फिर सरकार में हिस्सेदारी के बाद उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएंगी। और मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि जिम्मेवारी पूरी करेगा, पहली बार तो जिताती है जनता, उसके बाद जीतता उसका व्यवहार अच्छा होगा तो जीतेगा, नहीं व्यवहार नहीं होगा वो एक काम कर देंगे। जो चौटाला परिवार सारा आ गया, रणजीत सिंह भी, अजय सिंह भी, अभय सिंह, सारे बाध्यांडे से अगले BJP, वो हाल इनका होगा। तो अच्छा काम करेगा तो लोग अच्छा मानेंगे, बुरा करेगा तो लोग विरोध करेंगे। डेमोक्रेसी है, किसी को आप दबा नहीं सकते। मैं कलायत हल्के की जनता से नम्रतापूर्वक एक ही निवेदन करूंगा कि जो दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, एक BJP है, बाकी वोट काटू है। इन वोट काटू पार्टियों से और उम्मीदवारों से सावधान रहे, अपने मत का सदुपयोग करें। जो भी दूसरी जगह मतदान करेगा उसका वोट काटने में जाएगा, उसका सदुपयोग नहीं हो सकता, प्रदेश के विकास में उसका कोई लाभ नहीं हो सकता।